हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई डायनेमिक ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डायनेमिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंग में अगर वहां पे मैं बात करूं कि क्या 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 पोजीशन पे आकर, मतलब मैं कहूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अगर आपको अटेन करनी हो, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर जैसे मैं बात करूं कि भाई आप कोई पत्थर घुमा रहे हैं, ठीक है, किसी सर्कुलर पाथ में अपने स्ट्रिंग से बांध के कुछ मास लेके उसको पत्थर को घुमा रहे हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि कहां पे मैं छोड़ू तो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करे और कहां छोड़ू तो मिनिमम वेलोसिटी को अटेन करे, ठीक है। तो उसको समझने के लिए क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर करते हैं भाई एक सर्कुलर पाथ लिया। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, एक सेंटर होगा दैट इज ओ। अब क्या करता हूं, इस पॉइंट को मान लेता हूं दैट इज द वी एच, जहां पे मेरे पास जो हाईएस्ट जो मेरे पास वेलोसिटी अटेन करेगा ऑब्जेक्ट वो, और मिनिमम को कर लेता हूं, ये मान लिया सपोज कर लेता हूं दैट इज द मिनिमम वी एल। क्लियर है, वी एच इज द मैक्सिमम एंड वी एल इज द लोएस्ट मेरे पास जो वेलोसिटी अटेन करेगा। सपोज करता हूं कि रेडियस मान लेते हैं ये आर है, तो ये भी कितनी होगी, आर होगी, तो ये भी सपोज कर लेते हैं कितनी होगी भाई, ठीक है। अब यहां से अगर मैं देखूं, मान लो सपोज करते हैं कोई मास आपने लिया, अब ऑब्जेक्ट क्या करता हूं कि कोई स्ट्रिंग से मैंने बांध दिया दैट इज द टेंशन जो मेरे पास यहाँ पे, जो टेंशन जो मेरे पास फोर्स एग्जर्ट करेगा, जो सेंट्रीपेटल फोर्स को, जो टेंशन जिसको मैं नाम दे रहा हूं, ये आपके पास सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। अब सपोज करता हूं यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है। अब यहां से इस पॉइंट पी से अगर मैं क्या करता हूं किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप मैंने छोड़ा है भाई, ये मान लिया मैंने कोई ऑब्जेक्ट है जो उसको मैंने ड्रॉप आउट किया है, सर्कुलर पाथ में जाएगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर है। अब यहां से क्या करते हैं, अगर ये मेरे पास टेंशन हो गया, अब जो कोई मास था मेरे पास ऑब्जेक्ट था, ये जो मेरे पास मास था जो पी पॉइंट का, अब इसका कुछ वेट एग्जर्ट करेगा, तो ये मान लिया जो उसने वेट एग्जर्ट किया दैट इज mg, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट को बराबर आपस में करेगा ना, देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg के बराबर। अब अगर ये मान लिया कि को मेरे पास जो है ये मान लिया कि एंगल दे दिया थीटा के बराबर, तो यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ में मैं क्या लगाता हूं, यहां पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ में मैं लगाता हूं यहां पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को रिजोल्व करता हूं। क्या करता हूं भाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को रिजोल्व करता हूं। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब रिजोल्व करूंगा, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब रिजोल्व करेंगे तो मेरे पास इस डायरेक्शन में ये गया दैट इज, ये मेरे पास डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी दैट इज आएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब ये एम जी साइन थीटा आया, अब यहां से क्या करूंगा, अब ये मेरे पास एम जी साइन थीटा आया, देन अब आपके पास ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्व किया, तो ये आपके पास क्या गया, एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब अगर मैं यहां से करूं कि आपके पास जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मेरे पास आएगा, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो आपके पास ड्रॉ करेगा, तो वो आपके पास क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये आपके पास क्या हो गया, एम जी कोस थीटा। अब जो एंगल है ये सेम एंगल कहां अटेन करेगा, कोई ऑब्जेक्ट का जो सेंटर के साथ में सेम एंगल करेगा, अभी आपके पास एम जी कोस थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो एंगल था वो थीटा हो गया। ये सपोज करता हूं कि कोई वेलोसिटी जो आपके पास वेलोसिटी जो एक्वायर करेगा, सपोज कर लिया कि ये कोई आपके पास वेलोसिटी एक्वायर की ऑब्जेक्ट ने, वो क्या है, वी, क्लियर है। अब यहां से अगर मैं बात करूं भाई, अब क्या कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं कि मेरे को पता है कि अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पर रिजोल्व किया है तो टी और एम जी कोस थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बट मेरे पास तो क्या होता है कि आर इज इक्वल टू एम जी होता है, तो अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के हिसाब से करूंगा तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बट लग कहां रहा है, ये फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, कहां लग रहा है, सेंटर की तरफ, तो कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स, जो कि इसके बराबर रहेगा। तो सेंट्रीपेटल जो फोर्स आया मेरे पास, अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास m है, देन सेंट्रीपेटल फोर्स हुआ mv स्क्वायर / r इज इक्वल टू में, अब ये मेरे पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजॉल्व करूंगा तो किसके बराबर, t माइनस में, क्योंकि मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन में, t माइनस में mg cos थीटा, t माइनस में mg cos थीटा, ठीक है। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, अब मैं यहां से टेंशन निकाल सकता हूं, जो मेरे पास जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो निकाल सकता हूं, देन t इज इक्वल टू में आपके पास क्या बना, t बन गया दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस में एम जी कोस थीटा, तो ये आपके पास टेंशन बन गया दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस में एम जी
कोस थीटा। अब यहां से क्या कर सकता हूं, अब यहां पे मैं निकाल सकता हूं कि व्हाट इज द मिनिमम जो वेलोसिटी है और व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मिनिमम वेलोसिटी कैसे निकाल सकता हूं, अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस था, अब अगर मेरे को कोस थीटा के हिसाब से देखूं, देन अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, द मिनिमम वेलोसिटी, अगर मिनिमम वेलोसिटी आपको एक्वायर करनी है, देन क्या कर सकता हूं मिनिमम के लिए। अब कोस 90 होता है 0 और कोस 0 होता है 1, बट कोस 180 जो होता है वो होता है माइनस का 1। अगर मैं यहां पे थीटा की वैल्यू को पुट कर दूं 180 डिग्री, कहने का मतलब एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये मेरे पास पार्टिकल था, यहां से मैं अगर कंप्लीट इसको यहां पे 180 डिग्री का कंप्लीट रिजोल्यूशन कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा 180 होते मेरे पास क्या हो गया ये कि मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी देन t इज इक्वल टू में mv स्क्वायर बाय r प्लस में mg cos 180। cos 180 मींस माइनस का 1, देन वैल्यू पुट करता हूं, देन t इज इक्वल टू में mv स्क्वायर बाय r माइनस, ये हो गया मेरे पास माइनस का 1। तो इसको लिखा है भाई मैंने, ये होता है कौन से डिवाइड माइनस का 1, तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का mg। क्लियर है। अब यहां से मेरे पास बचा दैट t mv स्क्वायर बाय r माइनस में mg, ये मेरे पास क्या है, दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी। कैसी है मिनिमम वेलोसिटी, कहने का मतलब ये किस पॉइंट पे हमने निकाला है, ये निकाला है th पे, ये निकाला है th पे। अगर टेंशन ये मेरे पास भी हो गया, मेरे पास मिनिमम वेलोसिटी आएगी, देन th इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करता हूं, देन th इज इक्वल टू में mv स्क्वायर बाय r माइनस में mg इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास वैल्यू बराबर करता हूं, देन mv स्क्वायर बाय r इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg, हो गया भाई, क्योंकि mg होता प्लस जाके हो गया, m से m कैंसिल आउट कर लेता हूं, देन v स्क्वायर बाय r इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, then v square is greater than equal to gr, then v greater than equal to gr, वो भी कैसा under root का। अब ये जो v g r आया है, that is the minimum आया है किस point पे, 180 का क्या था v h, then it is the v h that is the minimum जो मेरे पास velocity आई है of the particle in the vertical plane। अगर vertical plane में किसी भी circular path में अगर मैं घुमाता हूँ, then v h is greater than equal to under root of g r। clear अभी, ठीक है। अब ये तो हमने हाईएस्ट पॉइंट के लिए निकाला, अब अगर मैं निकालूं कि लोएस्ट पॉइंट के लिए, लोएस्ट पॉइंट ये है, सपोज करता हूं लोएस्ट पॉइंट को मान लेता हूं भाई, ये पॉइंट को मैंने मान लिया एल, तो अगर मैं यहां पे एल पे मिनिमम वेलोसिटी निकालूं किसी भी पार्टिकल, तो कैसे निकाल सकता हूं, अब यहां पे अप्लाई करने की जरूरत है क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बाय अप्लाइंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करता हूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करूंगा, तो ये यहां पे जो पार्टिकल के साथ में जो मेरे पास जो एनर्जी का आया है, दैट इज एनर्जी मेरे पास आएगी, दैट इज हाफ एम वी का स्क्वायर, बट वी स्क्वायर मेरे पास क्या है वी एल, दैट इज वी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, जो मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट पे है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे मेरे पास है 1/2 एम वी एच का स्क्वायर, पर बराबर नहीं हुई, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास मिनिमम जो मेरे पास आया था वो नेगेटिव में जा रहा था माइनस का, अगर मेरे पास अब जो एनर्जी करेगा वो बीच का भी पार्टिकल मेरे पास रोटेट करता है ना, तो जो एनर्जी रहेगी वो इनके बीच की भी रहेगी, तो मेरे पास एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी, अब यहां पे मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी लगूंगा, दैट इज प्लस में mg इनटू में r प्लस r, क्योंकि लोवेस्ट से हाईएस्ट की अगर मैं बात करूं तो r प्लस r दैट इज 2r। क्लियर है, तो मैं ये पॉइंट समझ में आया, बेकन डेरिवेशन ऑफ अप्लाई करने के बाद, देन 1/2 m vl स्क्वायर। अब ये अगर वैल्यू मैं बात करता हूं, ये ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग में, ये जो वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जीरो पॉइंट पे है, तो जीरो पॉइंट पे हमेशा कैसा रहेगा मैक्सिमम, तो जीरो पॉइंट पे मैक्सिमम रहे तो ये ऑलवेज क्या रहेगा ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन सकता है, दैट इज 1/2 एम वी एच का स्क्वायर प्लस में एम जी इंटू में 2 r, वैल्यू पुट करता हूं, देन 1/2 एम वी एल का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एम VH की वैल्यू, VH की वैल्यू, VH का स्क्वायर, हमने VH निकाला था, क्या निकाला था, हाईएस्ट पॉइंट पे VH की वैल्यू निकाली थी, दैट इज द अंडर रूट ऑफ GR निकाला था, स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा ओनली GR, तो ओनली GR बच गया प्लस में mg इनटू में 2R। क्लियर है। अब यहां से अगर LCM लेके इन दोनों को सॉल्व करता हूं, क्योंकि ये भी mgr है और ये भी mgr है, तो मेरे पास क्या बना 1/2
एम वी एल का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरे पास मैं एलसीएम लेता हूँ, देन एलसीएम लिया तो टू मेरे पास एलसीएम आया, दैट इज ये बन गया एम जी आर प्लस में, ये मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है वन है तो टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज टू एम जी आर, और टू टू जा क्या हो जाएगा आपके पास टू टू जा फोर, क्लियर है भाई, क्योंकि एम जी आर टू एलसीएम लिया तो यहाँ पे एम जी आर प्लस में टू मल्टीप्लाई करूंगा तो टू टू जा फोर एम जी आर डिवाइडेड बाई टू, देन यहां से वन बाई टू कॉमन आउट ले लू, वन बाई टू एम वी एल का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, वन बाई टू मैंने कॉमन आउट लिया सारे में से, तो एम जी आर प्लस में फोर एम जी आर क्या बन गया फाइव एम जी आर, यही बचा, ठीक है, वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट कर सकता हूं, एम से एम कैंसिल आउट, तो मेरे पास जो ये वी एल बचा दैट इज मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज वी एल का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, वो किसके बराबर बचा दैट इज द फाइव जी आर, तो जो मेरे पास वी एल एल पॉइंट जो मेरे पास यहां पे आया है ये वेलोसिटी जो आई है दैट इज द फाइव जी आर। अब आपके पास एमसीएम कैंसिल आउट कर दिया, देन आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा वी एल का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव जी आर, ठीक है, अब ये मेरे पास 5gr के बराबर बच गया, ये मेरे पास वेलोसिटी कौन सी है जो vl की निकाली है, जो मेरे पास लोवेस्ट पॉइंट पे निकाली है, ठीक है, अब यहां से vl निकाल सकता हूं, दैट इज द vl इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr का अंडर रूट, तो आपके पास जो मिनिमम जो मेरे पास एट द l पॉइंट पे जो मेरे पास मिनिमम वेलोसिटी बनी है दैट इज द अंडर रूट ऑफ 5gr, क्लियर है भाई, ओके। अब अगर यहां से मैं निकाल दूं, ये तो हमने अभी तक क्या निकाली मिनिमम वेलोसिटी एट द वीएच, और मिनिमम वेलोसिटी एट द वीएच जो हमने निकाला दैट इज अंडर रूट ऑफ फाइव जी आर, ये निकाला, यहां पे निकाला था अंडर रूट ऑफ जी आर, ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास कोस थीटा है, हमने जो निकाला था क्या निकाला था दैट टी माइनस में एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू जो आपके पास आया था दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, यही आया था, और ये आपके पास क्या रहेगा हमेशा ये इज इक्वल टू था, देन टेंशन जब अगर मैं निकालता हूं तो आपके पास बना एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस में एम जी कोस थीटा, बट मेरे पास टेंशन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं देन आपके पास बना एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस में एम जी कोस थीटा, अगर कोस थीटा की वैल्यू अगर मैं क्या कर दूं, मैं अगर कोस थीटा की वैल्यू को कर दूं जीरो डिग्री, क्योंकि जीरो पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो कोस की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम वन की वैल्यू हो जाएगी, देन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस में क्या बचेगा एम जी, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू जीरो रखी तो वन आ गया दैट इज द एम जी, ये मेरे पास पॉइंट बचेगा। अब यहां से अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना चाहूं, मैक्सिमम वेलोसिटी अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, अब ये जो मेरे पास है ये v कौन सा है l पॉइंट वाला है vl का स्क्वायर बाय r, अब यहां पे वैल्यू पुट कर सकता हूं vl की, जो कि vl के लोवेस्ट पॉइंट पे हमने निकाला दैट t इज ग्रेटर देन इक्वल टू m vl का स्क्वायर, vl मेरे पास अंडर रूट 5gr है, अगर स्क्वायर करूंगा तो 5gr 5gr डिवाइडेड बाय r प्लस में mg, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, मेरे पास क्या बचा T इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5mg प्लस में mg दैट इज T इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6mg, जो आपके पास जो वैल्यू बची वो क्या बची 6mg दैट इज द T ग्रेटर देन, अगर मैं यहां पे मैक्सिमम, ये मेरे पास क्या आया है मैक्सिमम वेलोसिटी, ये क्या आई है मैक्सिमम वेलोसिटी जो आपके पास आई है पार्टिकल की दैट इज द 6mg, और ये जो t आपने निकाला है दैट इज द टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, अगर मैं कहूं t h की वैल्यू को मैं निकालूं तो, ठीक है, अब ये मेरे पास t आ गया दैट इज द, हमने किस पॉइंट के लिए निकाला है l पॉइंट के लिए दैट इज t l इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6mg, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट t l इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6mg, अब यहां पे t l आ गया, अब इस पॉइंट पे अगर मैं t l निकालूं तो वही मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालूंगा, ठीक है, अभी निकालते हैं भाई। अब अगर आपके पास दो केसेस हो गए, एक तो इस पे आ गया एक इस पे आ गया, यहाँ पे मैंने पीएल निकाली यहाँ पे टीएल निकाली है, ये मेरे पास वी एच आ गया और यहाँ पे टी एच निकालूंगा दैट इज वो आपके पास क्या वैल्यू आएगा जीरो, क्योंकि मेरे पास जो टेंशन का फॉर्मूला था दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस में एम जी कोस थीटा जो वैल्यू था, अगर वैल्यू यहाँ पे बी एच की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा जीरो आएगा, दोनों पॉइंट हो गए। अब ये भी बात बन सकता है कि वो हो सकता है कि आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ऊपर हो जाए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर एम पॉइंट मान के चलूं
ठीक है, तो एन पॉइंट पे ये मेरे पास सेंटर पे, अगर मैं यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट का मेरे पास निकालना हो कि व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो वेलोसिटी एक्वायर के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे दोनों का एनर्जी कंजर्वेशन कर सकता हूँ। तो बाई अप्लाइंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करता हूँ, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई किया तो देन आपके पास क्या बनेगा, दैट इज ये आपके पास हाफ एम वी एल का स्क्वायर, जो मेरे पास लोवेस्ट पॉइंट पे जो वी एल का स्क्वायर है इज इक्वल टू में जो आपके पास एम के ऊपर आया हाफ एम वी एम का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से जो पार्टिकल मूव करेगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, वेलोसिटी के क्लियर है। अब यहां पे ये निकलेगा बट साथ में मेरे पास दोनों जो मेरे पास एक रेडियस के अलोंग में भी जा रहा है, तो रेडियस के अलोंग में जो मेरे पास काम करेगा दैट इज एम जी आर। इसको इधर लेके आता हूं या फिर मैं क्या करता हूं भाई, मेरे पास बना 1/2 एम वी एल का स्क्वायर माइनस में एम जी आर इज इक्वल टू 1/2 एम वी एम का स्क्वायर। मेरे को क्या, मेरे को निकालनी क्या है, वी एम पे निकालनी है वेलोसिटी, ठीक है। अब मेरे पास वी एल की वैल्यू मेरे को पता है, वी एल की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो अंडर रूट ऑफ 5gr स्क्वायर करूंगा तो 5gr देन 1/2 m इनटू में वी एल का स्क्वायर करूंगा दैट इज 5gr माइनस में एम जी आर इज इक्वल टू 1/2 एम वी एम का स्क्वायर। बट ये ऑलवेज मेरे पास क्या रहेगा, ये हमेशा मेरे पास जो सेंटर पे रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो एनर्जी है वो कंजर्व होकर सबसे बड़ी हो जाएगी यहाँ पे। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एलसीएम लिया तो एलसीएम मेरे पास 2 आया, ठीक है, सॉरी एलसीएम नहीं लेना यहाँ पे, तो मेरे पास सीधा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास आया 5mgr/2 माइनस में mgr इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1/2 एम वी एम का स्क्वायर। अब यहां से अगर वैल्यू कैलकुलेट करो तो 2 यहाँ पे हो गया तो 5 - 2 3, दैट इज द 3mgr/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 एम वी एम का स्क्वायर। यहां से 1/2 कॉमन आउट ले लेता हूं, तो यहां से 1/2 कॉमन आउट लिया तो मेरे पास बच गया 3mgr लेस देन इक्वल टू 1/2 भी यहां से कॉमन ले लेता हूं, तो कॉमन लिया तो यहां पे मेरे पास बच गया एम वी एम का स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, देन आपके पास m से m कैंसिल आउट कर सकता हूं, देन आपके पास बचा वी एम का स्क्वायर, आपके पास बचा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन इधर चेंज, अगर इस पोजीशन को यहां लिख लो तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, या फिर आप उसी पोजीशन में लिख लोगे क्या कि 3gr इज लेस देन इक्वल टू वी एम का स्क्वायर। अगर वी एम की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ 3gr लेस देन इक्वल टू वी एम, तो ये आपके पास वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट जो हमने रेक्टेंगल मतलब 90 डिग्री पे लिया था, तो वो आपके पास वी एम जो आपके पास आ गया दैट इज अंडर रूट ऑफ 3gr, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं TH भी निकालू, क्योंकि टी एच, अब टी हमने क्या निकाल रखा है, अब टेंशन की अगर मैं बात करूं तो टी हमने क्या करा था, टी इज इक्वल टू में वो किसके बराबर चला जाएगा, दैट इज एम जी कोस थीटा प्लस में एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि मेरे पास एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू में टी माइनस में था तो टी इधर रखा तो ये मेरे पास प्लस में हो गया, देन आपके पास मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये वी एम है, यहाँ पे वैल्यू पुट करूं देन टी इज इक्वल टू में एम जी कोस थीटा कोस 90, कोस 90 मेरे पास क्या होगा 0, क्योंकि मेरे पास कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये भी सारा क्या हो जाएगा 0, देन बचा एम वी एम का स्क्वायर बाई आर, देन टी इज इक्वल टू वी एम, वी एम का स्क्वायर अगर वैल्यू निकालते हो तो आपके पास क्या बचेगी दैट इज 3gr, ठीक है 3gr, और इंटू में साथ में क्या है m अपॉन में r, r से r कैंसिल आउट, देन t जो आपके पास बचा, जो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू बराबर नहीं है ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा टेंशन, क्योंकि मेरे पास जो मिड पॉइंट पे रहेगा, देन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या बचा 3gm, तो ये आपके पास जो बचा है दैट इज द टेंशन, तो वो आपके पास t की अगर वैल्यू निकालू टी एम की दैट इज द अंडर रूट ऑफ 3gm, तो ये आपके पास बची है। तो मैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करके करने के बाद देखता हूँ तो वी एच की वैल्यू तो अंडर रूट ऑफ जी आर, वी एल की वैल्यू आपके पास है अंडर रूट ऑफ 5gr, टेंशन की बात करूं एट द लोवेस्ट पॉइंट तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास है 6mg, टेंशन की बात करूं तो ये मेरे पास 0 आई, क्यों, क्योंकि मैं यहां से वही ये 0 कैसे आया भाई, क्योंकि मेरे को पता है t इज इक्वल टू में mg cos थीटा और जो आपके पास बचा था प्लस में mv यहां पे h स्क्वायर / r, यही बचा,
अब यहां से bx की वैल्यू तो क्या है, अंडर रूट ऑफ जी आर, तो मैं वैल्यू पुट करता हूं, दैट इज एम जी कोस थीटा प्लस में एम बी एच की वैल्यू पुट की, दैट इज जी आर अपॉन में आर, आर से आर कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, थीटा की वैल्यू है 180, इस पॉइंट पे हमने क्या किया था 180, तो 180 किया था तो एम जी कोस थीटा तो क्या बन गया माइनस का एम जी, और बचा क्या प्लस का एम जी, एम जी से एम जी कैंसिल आउट, दैट इज जीरो, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टी एच की वैल्यू तो यहाँ पे जीरो है, bx जो मेरे पास है root of gr, अब मिड पॉइंट में जो हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमने 90 डिग्री पर निकाला, दैट इज bm इज अंडर रूट ऑफ gr एंड tm इज द अंडर रूट ऑफ त्रिज्या, तो ये आपके पास जो कंप्लीट जो था ये आपके पास था डायनेमिक्स ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप छोड़ते हैं तो किस डायरेक्शन से किस मिनिमम वेलोसिटी क्या मैक्सिमम टेंशन या क्या मैक्सिमम मिनिमम टेंशन हो सकता है, दैट वी विल फाइंड इट बाय दिस मेथड, ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू।